अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये मेरी पिछली वीडियोस के साथ ही मुंसलिक होनी थी, लेकिन इसको मैंने अलग कर दिया क्योंकि मेरे साथ फ्रॉड हो गया और उसकी तफसील अभी आप आगे चलकर वीडियो में देखेंगे। तो नाजरीन, मैंने बोया BY-M1 को अपने PC के साथ कनेक्ट किया और ऑडियोसिटी में अपनी वॉइस रिकॉर्ड की, लेकिन वॉइस रिकॉर्ड करते दौरान ही मुझे पता चल गया कि वॉइस ठीक नहीं हो रही। तो फिर मैंने इसके कनेक्टर देखा, वो भी ठीक लगा हुआ था, सेल भी इसका ठीक था, और मोबाइल के साथ भी मैंने इसको कनेक्ट किया, लेकिन तब भी मुझे कोई वॉइस में कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई। और मैंने ओपन कैमरा एप्लीकेशन डाउनलोड की, उसकी ये वजह थी कि उसमें एक्सटर्नल माइक की ऑप्शन मौजूद है, यानी हम अगर एक्सटर्नल माइक भी इसमें यूज़ करते हैं तो उसको हम डायरेक्ट एक्सटर्नल माइक पे कर सकते हैं। लेकिन फिर जब मैंने सारे टेस्ट किए और कोई ऑडियो में किसी किस्म की भी 1% भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, तो फिर मैंने अपने एक दोस्त से पूछा, तो उसने कहा कि आप जो इसकी पैकिंग है इसके ऊपर देखें, यहाँ पर एक स्क्रैच कोड होगा, मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर एक स्क्रैच कोड था, तो उसने कहा कि आप इसको स्क्रैच करें और इसके ऊपर नीचे एक कोड होगा, उसको आप बोया की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाके चेक करें। तो जब मैंने इसको स्क्रैच किया तो मुझे कोड तो हर कोई नज़र नहीं आया, बल्कि सिर्फ ये ब्लैंक था, वाइट साइड कुछ किसी किस्म का इस पर कोड नहीं था। तो पता चल गया कि ये बोया 2 नंबर माइक था, यानी मेरे साथ हो गया फ्रॉड। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप भी फ्रॉड से बचें। और दूसरा ये कि जब मैंने इसका PC के साथ कनेक्ट किया तो ये PC के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि इसका जो जैक है वो SRRS नामी है, जबकि PC के साथ हम जो माइक कनेक्ट करते हैं वो 3.5 mm होता है। तो उस वो भी मैंने ख़रीदा, तो चले मैं इसका भी आपको बता देता हूँ, ये मेरे पास साथ ही पड़ा हुआ है। तो ये देखें, मुझे ये एक जैक मिला जो काफ़ी बड़ा है, तो इसके अंदर इसकी इनपुट है जो कि बोया का जो माइक है वो इसके अंदर इन होता है, और फिर ये है इसका 3.5 mm जैक जो कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ आसानी के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो जब आप बोया का माइक ओरिजिनल लें तो उसके साथ फिर अगर आपने कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है तो ये भी आपको लेना पड़ेगा। इस तरह के 2-3 किस्म के जैक अवेलेबल है मार्केट में, मैंने द्रास पे भी देखा है, उस पर भी था, लेकिन मुझे ये मिला है। इसके साथ ये है कि हमारे काम का सिर्फ यही है, क्योंकि माइक हमने कनेक्ट करना है और जो बोया का ओरिजिनल बोया जो आप ख़रीदेंगे उसकी जो ऑडियो जैक है SRRS वो आप इसके अंदर इन करेंगे और ये आप अपने PC के साथ इन करेंगे। तो मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है, तो आपको फ्रॉड से बचाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और आप जब भी बोया BY-M1 लें, वैसे तो मैंने काफ़ी सर्च किया है, इस टाइम कोई भी किसी किस्म का ओरिजिनल माइक फ़िलहाल मुझे कहीं नज़र नहीं आया, बड़ी से बड़ी शॉप पर भी देखा है तो मुझे नज़र नहीं आया। तो अगर आप माइक लेना चाहते हैं तो बेहतर ये है कि आप उसी शॉप पर उसी के सामने पैसे देने से पहले उसको स्क्रैच करके उसका कोड आप चेक कर लें उसकी बोया की वेबसाइट पे, ताकि आप फ्रॉड से बच सकें। अगर तो ओके की रिपोर्ट है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो आप माइक मत लें। मैं फ़िलहाल जो सैमसंग का यूज़ कर रहा हूँ उसी के ऊपर ऑडियो कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी ऑडियो हो रही है। तो ये आज की वीडियो थी, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।